people, welcome to my channel and I hope you all are doing great. I am Kanjula, certified fitness trainer and nutritionist as well as master's in dietetics and food and nutrition management. So guys, in today's video, I am going to share with you a very effective detox diet plan to lose extra body fat from your belly especially. आपकी body से inches को lose करने के लिए ये detox diet plan काफी हद तक help करता है और ये diet plan वही है जो personally मैं खुद follow करती हूँ whenever I had any function, whenever I attend any parties और जो भी overeat हो जाता है उसके बाद जो detox diet plan मैं follow करती हूँ to lose that extra. As you guys know already that कुछ time पहले मेरी mother का बिल्कुल तबियत ठीक नहीं था, वो hospital में admit थी, ICU में भी थी even though. तो उन दिनों हम लोग अपना डाइट फॉलो नहीं कर पाते, अपना रूटीन ही फॉलो नहीं कर पा रहे थे. टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हम लोग बाहर का खा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा कोई डाइट फॉलो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था. तो इसी अब ये फेज है जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है. तो नाउ आई एम फॉलोइंग अ डिटॉक्स डाइट प्लान और वो डिटॉक्स डाइट प्लान यही है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो गाइज, मैंने अपने डिटॉक्स डाइट प्लान को अपनी डायरी में नोट करके रखा है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ खुद का अपना डाइट प्लान जो कि मैं फॉलो करती हूँ टू लूज एक्स्ट्रा इंचेस फ्रॉम बेली स्पेशली. क्योंकि हमारा पेट ही है जो सबसे पहले बाहर झांकने लग जाता है और आपको एक एजेड लुक देता है आप, और इसके साथ साथ अपने बॉडी से 5 इंचेस डाउन कर सकते हैं, वो भी 25 दिनों में ही. 4 से 5 इंचेस आपके आराम से रिड्यूस हो जाएगा ब्लॉटिंग के इश्यूज, क्योंकि मेनली क्या होती है ब्लॉटिंग की वजह से इंचेस बढ़ जाते हैं. तो ब्लॉटिंग तो यूं आपके 1 से 2 डेज में इस डाइट के थ्रू हटेगा. और अगर आपको ये डाइट फॉलो करना है तो ऐसा नहीं कि इस वीडियो को बस यहीं तक देख के या डाइट फॉलो करके वहीं बंद कर देना है, एंड तक आपको पूरा देखना है. क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस, कुछ एड ऑन ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि जरूरी होती हैं इन सारे डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ, वो सब जानकारी लेना. और हाँ, ये डाइट प्लान वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को ध्यान में रख के बनाया है. अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में # स्टे फिट विद कंचना लिखना, इस वीडियो लाइक जरूर से कर देना स्टार्ट करने से पहले ही. साथ ही साथ इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप अपना आराम से 10 kg तक का वजन रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी कम दिनों में ही. ज्यादा बात नहीं करते और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस डाइट प्लान को फॉलो करना है. सबसे पहले तो मॉर्निंग ड्रिंक आपकी शुरुआत होगी एक कहवे से. आपको एक कहवा बनाना है, स्पेशल कहवा जो कि मैंने खुद आज बनाया था और लिया था कि इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा या आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, आपके लिए किक स्टार्ट होगा, बहुत ही अच्छा किक स्टार्ट होगा मॉर्निंग का. चलो कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ. कहवा तैयार करने के लिए आपने एक इलायची चाहिए, 2 लौंग चाहिए, 3 से 4 आप काली मिर्च लेंगे और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का आप देख रहे हैं, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ बस, और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का भी आप मिलाएंगे कूट के, उसमें डाल के उसे गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे ताकि 1 कप आधा कप रह जाए, और देन जब तक आधा कप तक वो उबल जाएगा तब गैस को ऑफ करेंगे और हमें इस तरीके से छान के मॉर्निंग में इसको लेना है. नाउ अब ब्रेकफास्ट में आएंगे तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको 2 एग ऑमलेट, साथ में आपको 1 कप ग्रीन टी का लेना है. 1 या 2 एग लेंगे, अनियन ग्रीन चिली लेंगे एंड उसे इस तरीके से बना लेंगे, बहुत इजी तरीके से हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा 2 एग का. ठीक है, अगर आप ऑमलेट नहीं लेना चाहते तो 2 बॉइल्ड एग भी ले सकते हो जस्ट नॉर्मल, और साथ में अगर आप एग्स नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप 2 बेसन का चीला भी बना सकते हो. बेसन का चीला बनाने के लिए हमें 1/2 कैप्सिकम, 1 अनियन और ग्रीन चिलीज 2 लेने हैं, छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना है, उन सबको 1 बाउल में डालेंगे. उसी में हम 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और उसी के साथ 2 टेबल स्पून ओट्स भी डालेंगे, प्लेन रोल्ड ओट्स. ओके, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, उसको मिक्स करते रहेंगे साथ में, और देन थोड़ा सा पानी डाल के हम पहले से मिक्स करेंगे और इस तरीके का बैटर रेडी होगा हमारा. पैन में हम नॉनस्टिक पैन लेंगे और फिर इस तरीके से पलट के हम अपना पका लेंगे चीला, 2 मिनट में हमारा चीला 2 रेडी हो जाएगा. ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट का पार्ट है, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों का यहाँ पे क्लियर आउट है ना. ओके, तो अब लंच में चल के देख लेते. तो लंच में यहाँ पे है कि आपने मेनली आपने 1 कटोरी बड़ा सा वेजिटेबल का सॉटे बनाना है. ठीक है, वे मिक्स वेज सॉटे करना है. वो कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पर हम पहले मेन्यू पूरा देख लेते हैं कि हमारा लंच का मेन्यू क्या है. 1 तो बाउल है आपका वेजिटेबल सॉटे, दूसरा 1 बाउल है आपका दाल का, ठीक है, दूसरा है ग्रीन टी. ठीक है, तो ये 3 चीज आपका लंच का हो गया. चलो अब रेसिपी में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमें मिक्स वेज सॉटे प्रिपेयर करना है.
मिक्स वेज सॉटे के लिए हमें ब्रोकली लेना है इतनी क्वांटिटी में, अनियन, कैप्सिकम और थोड़ा सा गार्लिक जो है ना चॉप कर लेंगे। और सबसे पहले ब्रोकली को हम थोड़े से पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल होने छोड़ेंगे। जब बॉईल हो जाए तो सारे वेजिटेबल्स को हम एक प्लेट में वापस से रख लेंगे। और अब हमारा जो ब्रोकली है, टाइम नहीं लगता पकने में, 5 से 7 मिनट में वो पक जाता है। अब हम लोग नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल ले लो, उसमें आप सारे जो वेजिटेबल्स कट किए ना धीरे धीरे करके ऐड ऑन करेंगे। पहले आप गार्लिक डाला, फिर आपने कैप्सिकम, देन अनियन, देन अपना आपने ब्रोकली को ऐड किया। 5 मिनट्स तक हम उसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, मिक्स हो जाए उसके बाद, फ्राई हो जाए उसके बाद हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हल्का सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं सारे वेजिटेबल्स में। देन अगेन वी विल गिव इट अ स्टर फ्राई एंड हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। डेट इज़ 5 मिनट में ही पूरा पक के इस तरीके से रेडी हो जाएगा आपका इजी से रेसिपी। नाउ ग्रीन टी जो नहीं ले सकते जैसे कि टीनेजर्स हो गए या फिर जिनको सूट नहीं करता है, तो वो आप सौंफ का पानी ले सकते हो उसकी जगह में। और सौंफ का पानी काफ़ी हेल्प करता है वेट रिड्यूस कराने में, आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में, और गर्मियों का टाइम है तो आपकी बॉडी को कूल डाउन और ठंडा रखने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में आपने एक कोई भी फ्रूट चूज़ कर लेना, या तो वो एप्पल हो या कोई भी फ्रूट हो, ठीक है। बनाना या मैंगो को छोड़ के आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। अगर आप बनाना ले रहे हैं तो आप हाफ बनाना लेंगे, अगर आप मैंगो ले रहे हैं तो आप 2 से 3 स्लाइस ऑफ मैंगो लेंगे, ओके। अदरवाइज यू कैन टेक एनी अदर फ्रूट्स, 1 फ्रूट ओनली। एंड अब डिनर पे आते हैं, तो डिनर में यहाँ पे आपने एक स्पेशल सूप प्रिपेयर करना है और वो है ओट्स सूप। यहाँ पे आपने ओट सूप कैसे बनाना है मैं इजीली आपको डिफाइन कर दे रही हूँ। आपने 5 चम्मच ओट्स के लेने हैं, पानी में उसको डालना है, थोड़ा सा पिंच सॉल्ट का ऐड करेंगे, दैट्स इट। उसको मिलाते रहेंगे एंड आपका ओट्स का सूप प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, पक जाएगा ओट्स, गैस को ऑफ करेंगे, योर ओट सूप इज रेडी। वेरी इजी फास्ट रेसिपी है ये, और ये आपको बहुत टेस्टी भी लगने वाला है। यहाँ पे आपने ओट्स, प्लेन ओट्स यूज़ करना है, रिमेंबर दिस, आपने मसाला ओट्स नहीं यूज़ करना है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहे तो आप वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दें कुछ, अगर आप वेजिटेबल नहीं ऐड करते हैं तो आप साथ में उसके 1 बाउल ऑफ सैलड कट करके ले सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं बिफोर बेड क्या लेना है। बिफोर बेड आपने वार्म वाटर 1 कप लेना है और उसको आपने सिप सिप करके पीना है, ठीक है। उसमें आप कुछ नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी काफ़ी जगह पे ठंड है, काफ़ी जगह पे गर्मी भी है। आई डोंट वॉन्ट कि आप सब लोग ये अगर कुछ ना कुछ मिला के ले लें तो जहाँ पे गर्मी का काफ़ी मौसम हो रहा है वहाँ उन लोग को हीटिंग इश्यूज होने लग गया। तो एक दिन में आप 1 या 2 बार कोई भी कहवा लेते हो तो वो इनफ है। ज़्यादा लोग, अगर ज़्यादा गर्मी है आपके यहाँ पे तो वो आपको हीटिंग इश्यूज दे सकता है, या फिर ठंडी गर्मी का भी ज़्यादा इशू हो रहा है सब लोग को, तो उससे भी आपने अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है। और उसके लिए सबसे दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी है, वो सबसे बेस्ट है। एक सबसे पहले जो कहवा मॉर्निंग का है वो, और दूसरी चीज़ जो है वो सौंफ का पानी। सौंफ का पानी बहुत ही आसान है बनाना। आपने सौंफ के पानी को बनाने का तरीका 2 है। आप 2 चम्मच सौंफ को रात में 1 ग्लास पानी में भिगा के रख दें, सुबह आपने उठ के बस उसी पानी को छान के बस पी लेना है, उसको गर्म नहीं करना है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और आपको गर्म पानी नहीं पिया जाता है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ठंड है और आपको गर्म पीने का मन है, तो आप उसी पानी को जो रात को सोख किया है, 2 टेबलस्पून सोफ, उस पानी को आप थोड़ी देर बॉइल करेंगे, गर्म कर देंगे, जस्ट उसको ल्यूक वार्म होने तक जितना, उसको एकदम खौलाना, बॉइल नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी वो रात भर रह के उसकी प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज वो छोड़ चुका है पानी में। तो बस आप उसको हल्का गर्म करेंगे और वो सुबह आप उसे सिप सिप करके पियेंगे। थर्ड तरीका ये है कि अगर आप भूल गए हैं रात को ये सौंफ का पानी रखना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग में ही 2 चम्मच सौंफ को पानी में उबाले और आपने 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दे। उसके बाद आपको 1 ग्लास हाफ ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, उस हाफ ग्लास को आपको लेना है जब भी सौंफ पानी का को मैंने ऐड किया ना, तो इस तरीके से आप सौंफ का पानी लेंगे अगर आप ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं तो, ओके। सो ये पूरा था डाइट प्लान। कोई भी डाउट रह गया आपके माइंड में तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट करके मेरे पोस्ट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का जरूर से रिप्लाई दूंगी। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारा स्लीप साइकिल। एक दिन में हमें 8 आवर का स्लीप कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं जो आपको डिटॉक्स कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी को रेस्ट जरूर से दे, उसको आराम जरूर से दे, ओके। तीसरी चीज होती है कि वर्कआउट। बहुत लोग के माइंड में होगा कि हम लोग वर्कआउट करते हैं तो क्या ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप वर्कआउट के साथ ये डाइट फॉलो कर सकते हैं,
और अगर आप वर्कआउट के साथ फॉलो करते हो तो आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस डाइट से। बस शर्त ये है कि आपकी कैपेसिटी अगर फॉलो करने की हो रही है तो ही फॉलो करें। अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ये डाइट फॉलो करके अपना वर्कआउट भी कर सके तो डेफिनेटली आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाइट इनफ है आपका 10 केजी का वजन रिड्यूस करवाने में। जिन्होंने नहीं भी वर्कआउट करा है वो भी इस डाइट से अपना 10 से 15 केजी आराम से रिड्यूस कर सकता है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, बट लो इम्पैक्ट वर्जन पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा इंटेंस नहीं करना है। ओके, और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तो ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोग को आज का डाइट प्लान पसंद आया होगा। इस डाइट प्लान को जैसे मैंने बताया जरूर से वैसे ही फॉलो करना, उसमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश मत करना। कमेंट सेक्शन में हैशटैग स्टे फिट विद कंचना जरूर से लिखना। कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम हैंडल कंचना_1 वहां पर मुझे फॉलो कर लो और मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यार दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।